फ्रेंड्स, आज हम एक ब्लूज 12वां ब्लूज का कुछ पैटर्न सीखेंगे। ब्लूज में किस तरह की स्ट्रमिंग होती है या कौन सा ग्रूव हम फॉलो करते हैं वो देखेंगे और समझेंगे 12वां ब्लूज का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ब्लूज में हम लोग कौन से कॉर्ड, किस तरह के कॉर्ड्स यूज करते हैं। सपोज द की ऑफ द ब्लूज इज ई, सो ई में क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ई विल बी यूजिंग द सेवेंथ कॉर्ड्स। सेवेंथ कॉर्ड यानी कि ई के साथ जब हम डी को ऐड करते हैं, डी नोट को, तो वो सेवेंथ कॉर्ड होता है। ई मेजर कॉर्ड में जैसे हमने सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में डी को ऐड कर दिया, सो दिस इज ई सेवन। तो 12 बार मतलब 12, एक बार में चार बीट्स होती हैं, चार क्रॉचेट्स, सो 1 2 3 4, ऐसे चार बार्स ई सेवन कॉर्ड के चलेंगे, 4 बार्स, सो ई सेवन। उसके बाद जो स्केल का फोर्थ कॉर्ड होता है, 1 4 5 कॉर्ड सिस्टम होता है, वो मैं अलग से सारी थ्योरी कवर करूंगा। अभी आप समझो ई का जो फोर्थ कॉर्ड होता है वो होता है ए, लेकिन वहां पे भी हम ए सेवन कॉर्ड यूज करेंगे। सो ई सेवन देन ए सेवन, और उसके बाद तो कितने बार्स हो गए, 4 E7 के बार्स थे, फिर 2 बार A7 के हुए, सो 6 बार्स कंप्लीट हो गए। सो उसके बाद 7th और 8th बार में फिर से E7। तो एक बार अगर मैं इतना करके देखते हैं, 1, अच्छा इसका जो ग्रूव, रिदम ग्रूव होता है वो होता है 1 and 2 and 3 and 4। एंड नॉर्मली क्या होता है, दो तरह के रिदम्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है स्वंग। स्ट्रेट रिदम में 1 1 and 2 and 3 and 4 and ये रिदम चलता है, और स्वंग में 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and एक ट्रिपलेट इसे कहते हैं, ये वाला ग्रूव चलता है। सो यहां पे हम लोग वही, जब भी ब्लूज होता है तो हम लोग यही स्वंग वाला पैटर्न यूज करते हैं, स्ट्रेट नहीं करते हैं। स्वंग फील है रिदम का, सो स्वंग फील क्या है, 1 and 2 and 3 and 4 and so on। सो इसमें हम लोग अब एक बार को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ई सेवन को बजाय पहले 4 बार्स हमारे ई सेवन बजेंगे, तो 1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4। कोई भी एक हम इसमें स्टाइलिस्टिक कुछ निकाल लेंगे, 1 3 and 4 1 2 and 3 4, इस तरह से हमने मान लो ये ग्रूव बनाया, सो 1 2 and 3 4 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 1 2 and 3 4। 4 बार्स हो गए उसके बाद हमारे A7 कॉर्ड पे, 5th बार पे, तो 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4, और फिर से वापस E7, 7th और 8th बार E7 कॉर्ड, सो 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4। उसके बाद जो 9th बार होगा उसमें हमारा 5th कॉर्ड ऑफ द स्केल, स्केल का फर्स्ट कॉर्ड होता है ई का, अगर स्केल है तो ई हमारा होगा, लेकिन हम 7th बना रहे तो E7। 4th कॉर्ड होगा ए, लेकिन 7th कॉर्ड है, ब्लूज है, तो हम A7, ठीक है। और 5th कॉर्ड क्या होगा, बी, लेकिन B7, यानी कि ये या फिर ये वाला शेप B7। B7 कैसे पकड़ रहे हैं, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 1st फ्रेट, देन 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग ओपन, और 1st स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, ये B7 कॉर्ड हो गया। अच्छा A7 कैसे था, वैसे A मेजर कॉर्ड तो हमें पता है, अब इसमें जब 3rd स्ट्रिंग ओपन हो जाता है, सो इस नॉर्मली मैं A7 को ऐसे पकड़ना प्रेफर करता हूं, E7 में E मेजर कॉर्ड के साथ लिटिल फिंगर को 2nd स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट को ऐड कर देना है। सो अब तक हमने कितना किया था, 8 बार्स तक किए थे, फिर से एक बार देखते हैं, 2nd बार 3 4 1 2 1 3 4 1 2 1 3 4। अब आएगा A7 कॉर्ड, 3 4 1 2 1 3 4। नाउ वापस फिर से E7 कॉर्ड, 1 2 1 3 4 1 2 1 3 4, and then comes the 9th bar, which is a B7, the 5th chord, and then the 10th bar becomes A7,
फिर से, अब 11th बार फिर से E7, सो 9th बार इज B7, 10th बार इज A7, एंड 11th बार इज E7, एंड 12th बार इज द B7. अब ये है कि 12 बार ब्लूज में अगर हम कोई मेलोडी सा बना रहे हैं जो कि एक कंप्लीट पीस सा लगे, 12 बार भी फॉलो करे और एक मेलोडिक एक्सप्रेशन भी हो, सो वो सिंपली एक स्ट्रमिंग में इट इज नॉट साउंडिंग लाइक दैट. यू नीड सम अदर गिटार विच विल, जो हम उसके साथ एक ब्लूज का यू नो सोलोइंग या कुछ जैमिंग हो. लेकिन अगर एक ही गिटार में हमें कुछ करना हो तो उस तरह से ये जो पीस मैंने अभी इंट्रो में बजाया था वो हम देखते हैं क्या हो रहा है. सो 1, 2 and 3, 4 की जगह अब 1 and 2 and 3, 4 एक बार तो यहीं पे कंप्लीट हो गया. हम ई में ही पहले चार बार में हम ई का ग्रूव सोचेंगे कुछ. सो 1 बीट में हमने 6 स्ट्रिंग ओपन को बजाया. सो वी आर लर्निंग बेसिकली ये 12 बार ब्लूज का एक पीस जो ब्लूज म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 1, 6 स्ट्रिंग ओपन, देन 3rd स्ट्रिंग ओपन, देन हैमर ऑन, देन 1st स्ट्रिंग ओपन. ये फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन को मैं यहां पे एक फिंगर भी यूज कर रहा हूं. सी द सेकंड फिंगर इज डूइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग. सो 1 थंब से हुआ, ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट बीट हुआ, ये 6 स्ट्रिंग को मैंने ओपन बजाया. देन आई एम प्लेइंग द 3rd स्ट्रिंग ओपन, हैमर ऑन, एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन विद द मिडिल फिंगर. अगर फिंगर नहीं यूज करना तो प्लेक्ट्रम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो 1 and 2 and 3, 4 पहला बार कंप्लीट, एंड देन सेकेंड बार में हम लोग स्ट्रम कर रहे हैं. सो 1 and 2 and, अच्छा एंड्स में मैं स्टॉप कर रहा हूं साउंड को, यानी कि आई एम रेस्टिंग. सो 1 and 2 and 3 and 4 and, ये सेकेंड बार कंप्लीट हुआ, इट स्टिल द 4 बार का जो ई का है उसी का ग्रूव बन रहा है. सो 1 and 2 and 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and, एंड अगेन 1 and 2 and 3 4, 1 and 2 and 3 and 4, and so फिर से वो हमारा 3rd बार ये हुआ, and then the 4th बार 1 and 2 and 3 and 4, and so 4 बार हमारे कंप्लीट हुए. सिर्फ E के 4 बार दोबारा बजाते हैं. 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and, 3rd बार था 1 and 2 and 3 and 4, and से या 1, 2 and 3 and 4, and 5th string open में and, then 1 and 2 and 3, so it's G melody line है. So G E C sharp E G, 1st string 3rd fret, open 1st string, 2nd string 2nd fret, 1st string 3rd fret. So 6 bar complete हो गए. 1, 2 and 3, and 5th bar. This is the 7th bar. Counting say 1, 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 4 and 1 4 and 1 and 2 and 3 and 4, ये हमारा 7th bar हुआ. अब 8th bar फिर से E होगा जो कि E7 को represent कर रहा है. ये lead भी यहाँ पे हम लोग hybrid pick कर रहे हैं, 6th string open और 2nd string 3rd fret. एक साथ हुआ, देन सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, फिर से सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट. सो 8th बार क्या है, 6th स्ट्रिंग ओपन, सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन. सो 7th और 8th बार ठीक है. नाउ यू आर वॉकिंग टू द 5th कॉर्ड विच इज द B7. B7 कैसे पकड़ेंगे, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 1st फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग ओपन, 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट. सो वी आर वॉकिंग टू द, bar is B7, 10th bar is A7. Da, 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 4 and 1, 2 and 3 and 4.
ये रिफ हम पहले भी बजा चुके हैं, ठीक है? सो नाइन्थ और टेंथ बार फिर से टारारा बी सेवन टारारा, सो फोर एंड वन टू थ्री, फोर एंड वन टू एंड थ्री एंड फोर एंड, ठीक है? इलेवेंथ बार, इलेवेंथ बार में हमने इस जो ई कॉर्ड है उसको हम सिर्फ मेलोडी लाइन वॉक कर रहे हैं, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड एंड वॉकिंग टू द बी सेवन, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन टू एंड, ये हम थोड़ा सा सी सेवन से बी सेवन पहुंच रहे हैं यहाँ पे, या फिर मोमेंटरीली हम लोग जस्ट सी सेवन होके बी सेवन दिखा रहे हैं जस्ट स्टाइलिस्टिकली. So one and two and three and four and one, two and three and four and one, and you're getting back 12 bar complete hua hai. Fir se you're repeating the same riff. Ek baar count ke saath. One and two and three, four. One and two and three and four and one and two and three, four. One and two and three and four and one, two and three and four and one and two and three, four and one, two and three, four. That's it. So it's a easy blue piece, blues where you can your मतलब it's a solo blues piece basically, जहाँ पे आप melody भी दिखा रहे हो और आप साथ में chord line भी चल रहा है. So it's a complete you know harmonized solo of blues. That's it. And you also learn the 12 bar blues. So have fun, practice. Goodbye.